नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्री परीक्षा 2010 का एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन पेपर के 120 कंप्लीट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, इसके पहले 2013 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए गए। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर। जीरो टेल सीड ड्रिल विकसित किया गया है तो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है लुधियाना में, ऑप्शन बी है पंतनगर में, ऑप्शन सी है कानपुर में, ऑप्शन डी है फैजाबाद में। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पंतनगर में। जीरो टेल सीड ड्रिल का विकास पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा किया गया है और इस यंत्र द्वारा धान की फसल कटने के पश्चात उसी नमी का उपयोग करके बिना जुताई किए गेहूँ की बुआई की जाती है और इससे किसानों का समय और 3 से 5 जुताई कराने से बचत होती है। तो ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीरो टिल सीड ड्रिल से बोने पर गेहूं के बीज की गहराई होती है तो कितनी गहराई रखी जाती है। दोस्तों, यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2.5 सेमी। जीरो टिल सीड ड्रिल से गेहूं की बुआई 2.5 सेमी की गहराई पर की जाती है। ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन कैसे करते हैं तो लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन आपको बताना है कैसे किया जाता है। बडिंग के द्वारा, एयर लेयरिंग के द्वारा, ग्राफ्टिंग के द्वारा, कटिंग के द्वारा। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एयर लेयरिंग के द्वारा लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग चने में किया जाता है तो यहाँ पर आपको बताना है ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग किसके नियंत्रण में किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, उकठा के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग किया जाता है। ट्राइकोडर्मा एक कवक है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर फूल गोभी के तने में खोखलेपन की बीमारी का कारण क्या है। इनमें से ऑप्शन ए है लोहे की कमी, ऑप्शन बी है जस्ते की कमी, ऑप्शन सी है बोरॉन की कमी, ऑप्शन डी है मॉलिब्डेनम की कमी। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बोरॉन की कमी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बोरॉन की कमी के कारण फूल गोभी के तने में खोखलेपन की बीमारी हो जाती है और बोरॉन की कमी से फूल गोभी से ब्राउनिंग या खोखला तना, चुकंदर में हार्ट रोट एवं तंबाकू में टॉप सिकनेस नामक बीमारी हो जाती है। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तिल में तेल की मात्रा का होता है कितना परसेंट आपको यहां पर बताना है, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तिल के तेल में 46 से 52% और प्रोटीन 18 से 20%। तो ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, 46 से 52% तिल के तेल में 46 से 52% इसकी मात्रा होती है, प्रोटीन 18 से 20% होती है। आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तिल के तेल में सिसेमोल नामक पदार्थ पाया जाता है और इस कारण तिल का तेल अधिक समय तक परिरक्षित रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर धान गन्ना पेड़ी की सस्य सघनता आपको बतानी है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 100%। धान गन्ना पेड़ी एक 3 वर्षीय फसल चक्र है तो यहाँ पर फसल चक्र, फसल सघनता या फसल चक्र सघनता बराबर होता है फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र का वर्ष इंटू 100। तो यहाँ पर 3/3 × 100 = 100%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा होती है तो अमोनियम सल्फेट में आपको बताना है गंधक की मात्रा कितनी होती है। तो राइट आंसर की यहाँ पर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24% अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा होती है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, फूल गोभी में दानों की औसत मात्रा होती है तो फूल गोभी के दानों में आपको औसत मात्रा बतानी है कितने परसेंट होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 70% होती है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमेरिकन कपास में रेशे का प्रतिशत आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 30% इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। और कपास के बीज में 15 से 25% तक तेल पाया जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11 है, डायपोंग विधि द्वारा उगाई गई धान की पौध रोपाई लायक हो जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है, ऑप्शन ए दिया गया 12 दिनों में, ऑप्शन बी है 18 दिनों में, ऑप्शन सी है 24 दिनों में, ऑप्शन डी है 30 दिनों में। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा, 12 दिनों में इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गन्ने में रस की औसत मात्रा होती है, तो गन्ने में रस की औसत मात्रा कितनी होती है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 60 से 70% गन्ने में रस की औसत मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर होती है कितनी होती है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका राइट जवाब हो जाएगा। मूंग की बीज दर की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु जायद के लिए 20 kg प्रति हेक्टेयर है, और मिश्रित फसल के लिए 8 से 10 kg प्रति हेक्टेयर, और खरीफ ऋतु के लिए बात करें तो 15 से 20 kg प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, पौधों के लिए लौह तत्व की आवश्यकता सिद्ध की गई थी किसके द्वारा, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लोग आंसर दीजिए फटाफट, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ई ग्राइस द्वारा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। 1844 ध्यान रखिएगा, 1844 में सिद्ध की गई थी इनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधों के लिए लौह तत्व की आवश्यकता सिद्ध की गई थी, तो किसके द्वारा सिद्ध की गई थी दोस्तों? यहां पर आपको बताना है, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ई ग्राइस द्वारा, पौधों के लिए लौह तत्व की आवश्यकता सिद्ध की गई थी 1844 में, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, मक्के की अंत प्रजाति वंशक्रम के अनुरक्षण के लिए निम्न क्रिया का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए दिया गया स्वपरागण, ऑप्शन बी है परपरागण, ऑप्शन सी है कली परागण, ऑप्शन डी है सहोदर शिव परागण। तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 15 है, मक्के की अंत प्रजाति वंशक्रम के अनुरक्षण के लिए निम्न क्रिया का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप राइट आंसर का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा, सहोदर शिव परागण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 16 क्वेश्चन नंबर है, वर्ण निम्न प्रकार की विभिन्नता होने पर प्रभावकारी है। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं, आप राइट आंसर का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वातावरण इसका सही आंसर बनेगा। किसी शुद्ध वंशक्रम में वातावरणीय विभिन्नता होने पर वर्ण प्रभावित होती है, तो ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम 1970 में कपास की विमोचित संकर किस्म थी, इनमें से आपको बताना है। तो यहां पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, H4 इसका राइट जवाब बनेगा। विश्व का प्रथम संकर कपास H4 डॉक्टर चंद्रकांत पटेल ने सन 1970 में गुजरात कृषि विश्वविद्यालय में विकसित किया था, तो ऑप्शन बी यहां पे राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, एलजे स्टैडलर 1929 ने एक्स किरणों एवं रेडियम से निम्न के विकिरण करने पर उत्परिवर्तन प्रेरित होने के प्रभाव की खोज की। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 19, प्याज के प्रमाणीकृत बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है, यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 500 मीटर इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी इनब्रिड लाइन की मिश्रण शक्ति की परीक्षण करने के लिए किस क्रॉस को प्रयोग में लाया जाता है, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, टॉप क्रॉस, वाइड क्रॉस। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टॉप क्रॉस इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, उत्परिवर्ती प्रजनन विधि से भारत में विकसित धान्य फसल की प्रजाति इनमें से कौन सी है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जगन्नाथ।
मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में धान की जगन्नाथ, प्रभावती, गौतम जो किस्में हैं वो म्यूटेशन ब्रीडिंग उत्परिवर्तन अभिजनन द्वारा विकसित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22। परीक्षार्थ संकरण होता है, टेस्ट क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन। तो यहाँ पर 22 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। F1 इंटू रिसेसिव पेरेंट्स, F1 इंटू अप्रभावी जनक का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है 23। एक सम युग्मजी स्वनिषेचित पादप की संतति क्या कहलाती है। तो यहाँ पर 23 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्योर लाइन शुद्ध वंशक्रम कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 24 है। द्विन्यून सूत्री लिखा जाता है, तो द्विन्यून सूत्री किस प्रकार लिखा जाता है आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2n-2 को द्विन्यून सूत्री लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संकर बीज उत्पादन कार्यक्रम में मेंटेनर लाइन होती है, तो मेंटेनर लाइन आपको बताना है इनमें से कौन सी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बी लाइन जो है वो मेंटेनर लाइन होती है, ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26 की बात करेंगे। केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान आपको बताना है कहां पर स्थित है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है, इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 की यहां पर बात करेंगे। मसूर में कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए, मसूर में कायिक गुणसूत्रों की संख्या 2n-14 होती है। और चने की बात करें तो चने में क्रोमोसोम नंबर जो होता है 2n-14। और उसके बाद अरहर की बात करें, अरहर में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, तो 2n-22 होता है, 2n-22 आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें उड़द की बात करें तो उड़द में क्रोमोसोम जो नंबर होता है 2n-24 होता है, और मूंग में 2n-24 होता है, और मक्का में 2n-100, और धान में 2n-24। तो इन सभी क्रोमोसोम नंबर को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शीर्ष संकरण एवं संकरण है, टॉप क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इन ब्रिड एंड वराइटीज, अंतः प्रजातियों प्रजाति के बीच। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर, T&V प्रणाली से कौन संबंधित है, T&V प्रणाली से इनमें से किसका संबंध है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रामीण विकास कार्यक्रम का संबंध है, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर, जीन्स का पृथक्करण होता है, तो जीन का पृथक्करण किसके द्वारा होता है, प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में। तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, F3 पीढ़ी में जीन का पृथक्करण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, काइलोमेनस सेक्स मैकुलाटा होता है, परजीवी, प्रीडेटर, पेस्ट, विषाणु, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रीडेटर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रबर सेप्टा का प्रयोग होता है, तो रबर सेप्टा का प्रयोग किसमें होता है, प्रकाश प्रपंच में, फिरोमोन ट्रैप में, स्टिकी ट्रैप में, और विट ट्रैप में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फिरोमोन ट्रैप में रबर सेप्टा का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, फली बेधक कीट इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चना का। फली बेधक कीट चने का प्रमुख कीट है, इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो हेल्को वर्पा आर्मीजेरा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से। तो आप लोग राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा,
कैस्टर कंपोजिटी से इसका सुमेलित नहीं है, जो यहाँ पर कैस्टर दिया गया है, कैस्टर जो है यहाँ पर जो कंपोजिटी यहाँ पर दिया गया है जो कि सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कैस्टर की बात करें तो कैस्टर जो है यू4 बीएससी कुल का के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 35। गोदामों में अनाजों में लगने वाली प्रमुख फफूंदी इनमें से कौन सी है? तो 35 का आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा एस्परजिलस, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 36। पिछले पैर में पराग की थैली पाई जाती हैं, तो किस में पाई जाती हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मधुमक्खी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किट रोग होता है, तो यहाँ पर आपको बताना है किट रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा, सूत्रकृमि द्वारा, और अगला ऑप्शन है यहाँ पर जीवाणु द्वारा और फफूंद द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, फफूंद के द्वारा, किट रोग फफूंद द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर गुलाबी कंदू कीट प्रमुख शत्रु है, किसका है? कस्टर्ड का है, पी का है, मस्टर्ड का है, कॉटन का है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा कॉटन का है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पिंक बॉल वार्म कपास का प्रमुख कीट है, इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो पैक्टिनोफोरा गोसिपियेला है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इरियोसोमा लैनिजेरा पेस्ट है इनमें से, आपको बताना है। तो यहाँ पर 39 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सेब का है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 की यहाँ पर बात करेंगे, भारत में सर्वाधिक प्रचलित खेती की प्रणाली इनमें से कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, किसान खेती, इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गोल्ड क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, देना बैंक के द्वारा, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, सिंडिकेट बैंक के द्वारा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोल्ड क्रेडिट कार्ड योजना भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 42 है, उत्पादन प्रतिफल होता है मुख्यतः कारकों का, लागतों का और मूल्यों का, लाभों का? तो यहाँ पर 42 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उत्पादन प्रतिफल मुख्यतः कारकों का होता है, यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्पादन प्रक्रिया का मुख्य ध्येय क्या है, मुख्य ध्येय क्या होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जित लाभ अर्जित करना, यर्न प्रॉफिट, इसका मुख्य ध्येय होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नियमित बाजार सुनिश्चित करता है, तो यहाँ पर आपको बताना है नियमित बाजार क्या सुनिश्चित करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संतोषजनक मूल्य सुनिश्चित करता है, ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 45, ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता निर्भर नहीं करती, तो किस पर निर्भर नहीं करती है दोस्तों? यहाँ पर आपको आंसर देना है दिए गए ऑप्शंस में से, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों, अनुदान की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 46, किस श्रेणी के अधिकतम ग्राही होते हैं? प्रेरक, शीघ्रग्राही, पिछेतीग्राही और सुस्तग्राही? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए 46 का, तो राइट आंसर हो जाएगा लेट एडॉप्टर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 47, कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा? तो यहाँ पे आप लोग आंसर दीजिए, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, इसका राइट जवाब हो जाएगा। कृषि ज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिभूत किया जाता है और इसका उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक खेती हेतु प्रशिक्षण देना, युवा किसानों को शिक्षण और किसानों को कृषि से जुड़ी हुई सूचनाएं व योजनाओं के बारे में जानकारी देना है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पोस्टर के ABC का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आकर्षण, संक्षिप्त एवं स्पष्ट, अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 49, नॉन प्रोजेक्टेड अध्ययन विधि इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा,
कठपुतली? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50, IVLP कार्यक्रम प्रतिभूत हुआ था किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 का आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा 1955 में प्रत्याभूत हुआ था, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन एक संप्रेषण का आधारभूत कार्य इनमें से नहीं है? तो यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिए फटाफट, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आज्ञा इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व नहीं है, इनमें से आपको बताना है, तो 54 का आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आधारभूत अनुसंधान बेसिक रिसर्च का जो है कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व नहीं है, ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर फूल गोभी में फूल बनने के पहले अपरिपक्व अवस्था में बीज के डंठल का बनना क्या कहलाता है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी दोस्तों, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोल्टिंग इसका राइट जवाब बनेगा। दोस्तों फूल गोभी में अपरिपक्व अवस्था में फूल के बनने के पहले बीज के डंठल का बनना बोल्टिंग कहलाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, फूल गोभी में अपरिपक्व अवस्था में फूल के बनने के पहले बीज के डंठल का बनना बोल्टिंग कहलाता है। फूल गोभी में अन्य विकार की बात करें तो अंधापन, ब्लाइंडनेस, प्रारंभिक अवस्था में ऊपरी कलिका का नष्ट होना, बटने, नाइट्रोजन की कमी से, और होलोस्टेम, नाइट्रोजन के अधिकता से, रिचनेस, अधिकता, तापांतरण एवं नाइट्रोजन की अधिकता, और भूरापन, बोरोन की कमी से, और हिप्टेल, मोलिब्डेनम की कमी से। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इन्हें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्षा उपहार निम्नांकित में से किसकी प्रजाति है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भिंडी की प्रजाति है। दोस्तों वर्षा उपहार भिंडी की उन्नत किस्म है, दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह किस्म पीत सिरा मोजैक विषाणु प्रतिरोधी किस्म है, और भिंडी की अन्य प्रजातियों की बात करें तो पूसा मखमली है, पूसा A4 है, परभनी क्रांति है, अर्का अभय, अर्का अनामिका, हरभजन भिंडी और पंजाब पद्मिनी, बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नांकित में से कौन सी बैंगन की प्रजाति फिमोप्सिस ब्लाइट एवं बैक्टीरिया विल्ट के प्रति अवरोधी है? तो 57 का आप लोग आंसर दीजिए, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पंत सम्राट इसका सही आंसर बनेगा। दोस्तों पंत सम्राट पूसा पर्पिल क्लस्टर, पूसा भैरव, अर्का निधि प्रजातियां फोमोप्सिस ब्लाइट एवं बैक्टीरियल विल्ट के प्रति अवरोधी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नांकित में से आम की कौन सी प्रजाति बेमौसमी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑफ सीजन वैरायटी ऑफ मैंगो की आपको यहाँ पर बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निरंजन एवं मधुलिका आम की बेमौसमी किस्में हैं, और आम की बहुभ्रूणी किस्मों की बात करें तो ओलर है, गोवा है, चंद्रकरण, बैलारी, उत्तर भारत की किस्में की बात करें तो लंगड़ा है, चौंसा, बॉम्बे ग्रीन, केसर, और निरंतर फल वाली फसलों की बात करें तो बैंगन पल्ली है, नीलम और तोतापुरी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपका यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आम की सिंधु प्रजाति संकर इसमें से कौन सी है? तो 59 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रत्ना इंटू अल्फांसो इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर आप आम की संकर किस्में सिंधु, रत्ना इंटू अल्फांसो से विश्व की पहली बीज रहित है, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, नींबू में ट्रिस्टेजा वायरस बीमारी फैलती है तो किसके द्वारा फैलती है? यहाँ पर आपको आंसर देना है, तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, टॉक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राइबोफ्लेविन का सर्वोत्तम स्रोत इनमें से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेल यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बेर में कलिकायन का सर्वोत्तम समय इनमें से कौन सा है? तो 62 का आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मई जून इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर
केले की कौन सी प्रजाति पनामा बेल्ट बीमारी के प्रति अवरोधी है? तो 63 का आप लोग आंसर दीजिए यहाँ पर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा 63 का ऑप्शन ए, इसका राइट जवाब हो जाएगा, बस राई इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा, कुफरी चिप्स होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65 है यहाँ पर, आड़ू की कौन सी प्रजाति अल्प द्रुत शीतन लो चिलिंग है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए, आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सहारनपुर प्रभात इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आम में लिटिल लीफ की बीमारी किसकी कमी से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको बताना है, तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंक की कमी से होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आम में लिटिल लीफ जिंक की कमी से, आम में आंतरिक फल गलन बोरॉन की कमी से, नींबू में लिटिल लीफ कॉपर की कमी से, नींबू में मेटल लीफ जिंक की कमी से और अमरूद में ब्रॉन्जिंग जिंक की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, प्याज की सफ़ेद किस्म इनमें से कौन सी है? व्हाइट कलर अनियन वराइटी इज, तो 67 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उदयपुर 102, महत्वपूर्ण है आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, सफ़ेद प्याज की किस्में उदयपुर 102 है, फूले सफ़ेद पंच 48, और पीले प्याज की किस्मों की बात करें तो यहाँ पे अर्ली ग्रेनो, अर्का पीताम्बर, फूले सुवर्णा है। लाल प्याज की किस्मों की बात करें तो पूसा रेड है, नासिक और उदयपुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 68 क्वेश्चन नंबर है, पालक में पाया जाने वाला प्रभावी कार्बनिक अम्ल में से कौन सा है? तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सैलिक अम्ल इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। पालक में पाया जाने वाला प्रभावी कार्बनिक अम्ल ऑक्सैलिक अम्ल है। प्रति 100 ग्राम पालक में 658 मिलीग्राम ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। तो पालक में विटामिन ए 9300 IU प्रति 100 ग्राम पाया जाता है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्याजम लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों प्याजम लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुणे में स्थित है दोस्तों। प्याजम लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र पुणे में स्थित है और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर अनियन एंड गार्लिक पुणे महाराष्ट्र में है और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट 1949 शिमला हिमाचल प्रदेश में है और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन मोदीपुरम मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, काजू का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुत्तूर इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैस्यू काजू का 1985 पुत्तूर कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर और NRCC नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस 1985 नागपुर महाराष्ट्र में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना तमिलनाडु में है और NRCG नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, अंगूर में हेन एंड चिकन बीमारी का कारण किस तत्व की कमी से है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बोरोन की कमी से। अंगूर में हेन एंड चिकन बीमारी बोरोन तत्व की कमी के कारण होता है और इसके नियंत्रण के लिए बोरेक्स 0.6% का छिड़काव करें और अंगूर में कैलिक्स एंड रॉट कैल्शियम की कमी से, आंवले में आंतरिक गलन बोरोन की कमी से और नींबू में पीला पत्ती धब्बा रोग मोलिब्डेनम की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, अमरूद की प्रमुख शर्करा इनमें से कौन सी शर्करा पाई जाती है? आपको बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुक्रोज पाया जाता है, अमरूद में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। और अमरूद में प्रोटीन की बात करें तो 1.5%, रेसा 6.9%, कार्बोहाइड्रेट 14.5% और विटामिन B1 30 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पर, विटामिन सी 299 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 73 क्वेश्चन नंबर 73, अमरूद की किस्म ललित विकसित हुई है, तो आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों, अमरूद की किस्म ललित किसके द्वारा विकसित की गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, CISH लखनऊ के द्वारा विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर
74। अंगूर की किस्म अर्का, कृष्णा, शंकर है, इनमें से आपको बताना है किसके क्रॉस से बनी है ये। 74 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्लैक चंपा इंटू थॉम्सन सीडलेस के क्रॉस से अर्का, कृष्णा, शंकर किस्म विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, सेब की अमरी किस्म किस प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो अमरी किस्म आपको बताना है किस प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टमाटर पूरी में सुरक्षक रसायन बेंजोइक अम्ल की अनुमेय सीमा इनमें से आपको बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 250 ppm। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77 है, जिमीकंद का वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों, तो आप लोग जिमीकंद का वनस्पतिक नाम बताइए दिए गए ऑप्शंस में से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, एमरफोफाइलस कंपैनुलेटस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहां पर है 78। क्वेश्चन नंबर, कद्दू वर्गीय सब्जियों में लिंग भेद परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त पादप वृद्धि नियामक इनमें से आपको बताना है, तो 78 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरो इथाइल फास्फोनिक एसिड इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 79, पूसा केसर किसकी किस्म है, तो पूसा केसर गाजर की किस्म है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80, हेस्पीरिडियम ब्लासूटा एवं एम्फी सारिका किसके रूपांतरण है, क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरी इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 81 है, पूसा मैजेस्टी एक उन्नत प्रजाति किसकी है, तो पूसा मैजेस्टी पपीता की एक उन्नत सेल किस्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहां पर 82 है, भिंडी की YBMB अवरोधी प्रजाति इनमें से कौन सी है, तो यहां पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, अर्का अनामिका, अर्का अनामिका यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नांकित में से पेक्टिन का सर्वोत्तम स्रोत इनमें से कौन सा है, तो राइट आंसर गुआवा हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अमरूद में पेक्टिन पदार्थ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जो जैली बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है, आम और पपीता में विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है और आंवला में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोकार्ट का वनस्पतिक नाम इनमें से आपको बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एरियोबोट्रिया जेफोनिका लोकार्ट का वनस्पतिक नाम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85, निम्नांकित में से में कौन गंधयुक्त एमिनो एसिड है, तो ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं आप लोग आंसर दीजिए, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सिस्टीन इसका राइट जवाब बनेगा। यहाँ पर सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, मिथियोनिन व सिस्टीन है, अम्ली अमीनो अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल है, क्षारीय अमीनो अम्ल, लाइसिन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मृदा गठन का अनुमान लगाने हैं तो कणों का व्यास लेते हैं, तो कितना व्यास यहाँ पर लेते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 mm से कम, ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, सेलुलोज का अधिकतम अपघटन होता है, तो सेलुलोज का अधिकतम अपघटन जो होता है वो मध्य तापरागी तापक्रम में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 88 है, निम्न में से पूरा ह्यूमस किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केचुए के साथ का ह्यूमस, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। ह्यूमस मृदा कार्बनिक पदार्थ का एक अंश है जो उसके सड़ने गलने पर मृदा में रहा जाता है और इस प्रकार ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है, केचुए के साथ ह्यूमस को पूरा ह्यूमस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है 89, सामान्य मृदा पीएच परिसर जिसमें पादप पोषक सुभलता सुलभता एवं सूक्ष्मजीव क्रियाशीलता अधिकतम होती है वह है, इनमें से आपको बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 6.5 से 7.5। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट यहाँ पे 90 है। बेड रॉक के ऊपरी असंपिंडित सामग्री को जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 90 का, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पेडोन इसका सही जवाब बनेगा। रिगोलिथ मृदा परिच्छेदिका में सबसे नीचे स्थित सॉइल के ऊपर असंपीडित भूपदार्थ कहलाता है और बेडरॉक के ऊपरी ए कॉमा बी व सी संस्तरों को मिलाकर रिगोलिथ कहा जाता है और ए व बी संस्तर को मिलाकर सोलम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 91 है। यहाँ पर मृदा निर्माण के सक्रिय कारक इनमें से कौन से हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जलवायु एवं जीव मंडल मृदा निर्माण के सक्रिय कारक हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है 92 है। उर्वरक मिश्रण में आर्द्रता ग्राहिता को घटाने एवं भौतिकी दशा सुधारने जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो 92 का यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुकूलनकारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 93 है। फसल के लिए मृदा में धीमी गति से सुलभ होने वाले का स्रोत आपको यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 94 है। अधिकतम धनायन विनिमय क्षमता होती है तो अधिकतम धनायन विनिमय क्षमता किसकी होती है, तो यहाँ पर 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चरनोजम सोयल की होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 95 है। फास्फेट का अत्यधिक स्थिरीकरण किस पीएच परिसर पर होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4.5 से 5.5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96 है। संतृप्त जल बहाव है तो मृदा की जल पारगम्यता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है दोस्तों, तो यहाँ पे 96 का आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मृदा रंध्र आकार एवं मृदा जल की मात्रा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 97 है। वर्मिक्यूलाइट एवं एल्युमिनो सिलिकेट मृतिका है जिसमें एल्युमिनियम तथा सिलिकेट का अनुपात होता है, तो यहाँ पर आपको बताना है कितना रेशियो रहता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2:1 इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 98 है। निम्न में से कौन सा कारक सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण द्वारा मृदा ह्रास की गणना में प्रयुक्त नहीं होता है, तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्वरक प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 99 है। आवश्यक खनिज तत्व जो कि जीव अणुओं में आक्सीकृत रूप में उपस्थित है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों, आवश्यक खनिज तत्व सल्फर इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलायमान तत्वों की कमी का लक्षण सर्वप्रथम पौधे के किस हिस्से में प्रदर्शित होता है, तो क्वेश्चन नंबर 100 का आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरानी पत्तियों में इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलायमान तत्वों मोबाइल एलिमेंट्स जैसे NPK, ZN, जिंक और मैग्नीशियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम पौधों की निचली पुरानी पत्तियों में प्रदर्शित होता है, जबकि सल्फर FeMn, MO, CA और बोरॉन की कमी के लक्षण पौधों की ऊपरी कलिका अथवा नई पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नत्रजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में नत्रजन को स्थिर करने वाला किण्वन इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजिनेज इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कैल्शियम का मिल तुल्यांक बराबर होता है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 मिलीग्राम कैल्शियम प्रति 20 मिलीग्राम कैल्शियम, ऑप्शन बी जो यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। कैल्शियम का 1 मिलीग्राम तुल्यांक होता है 20 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। पृष्ठी मृदा की तुलना में अधो मृदा का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात इनमें से कितना होता है दोस्तों, आपको बताना है यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर CN रेशियो कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा बटे मृदा में प्राप्त कुल नाइट्रोजन की मात्रा, तो पृष्ठी मृदा की तुलना में सब सोइल का CN रेशियो अनुपात अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है।
वृक्षों में एक्जेंथिमा नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा तांबा, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 105। मक्के में ऊतक विश्लेषण हेतु लिया जाता है, तो मक्के में ऊतक विश्लेषण हेतु इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा, ऊपर से तीसरी पत्ती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, FIRB विधि विकसित की गई है बुआई के लिए, किसकी बुआई के लिए? धान की, गेहूं की, दलहनों की, बाजरा की? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं की। FIRB फारो एरिगेटेड रेज बेड विधि गेहूं की बुआई के लिए विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR स्थित है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 107 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानपुर में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 108 क्वेश्चन नंबर है, सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है किसके स्थान पर? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसोप्रोटूरान के स्थान पर सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, वानस्पतिक सुप्तावस्था पाई जाती है, तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धान की प्राचीन देसी किस्मों में वानस्पतिक सुप्तावस्था पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सस्त जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में सस्त जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 111 क्वेश्चन नंबर, भारतवर्ष में बंजर भूमि की लगभग कुल क्षेत्रफल इनमें से कितना है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट जवाब हो जाएगा 175 मीटर प्रति हेक्टेयर, मीटर हेक्टेयर। भारत में 175 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 328 मीटर हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दाने के लिए बाजरे की बुआई करनी चाहिए जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में? तो क्वेश्चन नंबर 112 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुलाई में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे, यहाँ पर गोल्डन धान में अधिकता अधिक पाया जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना है विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन सी, विटामिन के, इनमें से किसकी मात्रा अधिक पाया जाता है गोल्डन में धान में? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, गोल्डन धान में अधिक पाया जाता है। गोल्डन राइस अनुवांशिक रूपांतरण धान है, इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जो कि ए विटामिन ए यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिट्टी में कैल्शियम की अधिक उपलब्धता पैदा करती है नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी, पोटेशियम की कमी, उपरोक्त सभी की कमी? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फास्फोरस की कमी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नोरिंगटन जीन के द्वारा बौने किस्म के पौधे पैदा किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, गेहूं में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, जापान में नोरिन सीरीज वाले गेहूं की प्रजातियों जैसे नोरिंगटन से बौने जीन को अलग किया गया, इस जीन से गेहूं की बौने किस्म विकसित की गई। डॉक्टर नॉर्मन इबोरलोंग ने इसी जीन का प्रयोग करके 1961 से 62 ईस्वी में अन्य प्रजातियां विकसित की, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण जानकारी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर, आलू की फसल के खेत में मेड़ी चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय फसलों की बुआई कहलाती है, तो यहाँ पर क्या कहलाती है दोस्तों? मेलवा फसल कहलाती है, समांतर फसल कहलाती है, रिले फसल कहलाती है, क्रमबद्धी फसल कहलाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, रिले क्रॉपिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, बुसेनिंग प्रक्रिया की जाती है तो किस में की जाती है? गेहूं में, धान में, मक्का में, बाजरे में? तो 117 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान में। बुसेनिंग प्रक्रिया धान की अपनाई धान में अपनाई जाती है, और इस विधि में रोपाई के 30 से 35 दिन बाद क्रॉस जुताई करते हैं, इस क्रिया से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, कले ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सम्राट एक कम अवधि की प्रजाति है, किसकी है? अरहर की है, उड़द की है, मूंग की है, चने की है? तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मूंग की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 119 क्वेश्चन नंबर है, गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था इनमें से कौन सी है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा,
क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज ताल ताज मूल आते समय, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। गेहूं में ताजमूल अवस्था क्राउन रूट इनिशिएशन 20 से 25 दिन सबसे क्रांतिक अवस्था है। गेहूं में एक सिंचाई उपलब्ध होने पर सीआरआई स्टेज पर और दो सिंचाई उपलब्ध होने पर सीआरआई और पुष्पावस्था 80 से 85 दिन और तीन सिंचाई उपलब्ध होने पर सीआरआई स्टेज में करेंगे गांठ बनते समय और दुग्धावस्था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 120 क्वेश्चन नंबर, मक्के की कंचन प्रजाति पकती है तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 75 से 80 दिनों में। कंचन मक्का की